हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक और नई भर्ती को लेके आए हैं। बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट यहाँ पर निकल के आ चुकी है आपके लिए। एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर निकली गई है। यहाँ पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल नंबर 2 से न्यू दिल्ली से यहाँ पर ये भर्ती निकाली गई है। भर्ती का जो है क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारा डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। देन सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये वॉक इन इंटरव्यू पे भर्ती होने वाली है। टेक्नीशियन के लिए डिफरेंट ट्रेड FTE बेसिस पे यहाँ पर ये भर्ती होने वाली है। अब ये FTE बेसिस क्या होता है, मैं आपको इसको बता दे रहा हूँ। तो FTE बेसिस होता है फिक्स टर्म एम्प्लॉई बेसिस, मतलब कुछ समय के लिए आपको एम्प्लॉय रखा जाएगा। देन ऑल ओवर इंडिया से ओपन मार्केट, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। देन क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपका, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देन बात की जाए तो पोस्ट नंबर 1 की, तो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन मेंटेनेंस की यहाँ पर रहेगी। इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए, सर्टिफिकेट इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग 3 ईयर का, आपको 2 या 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए, 60% आपका होना चाहिए उसमें। देन उसके बाद में आपका 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि एविएशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपके पास 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप है तो आपका अप्रेंटिसशिप भी यहाँ पर मान्य होगा। देन नेक्स्ट पोस्ट की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर ये वाली पोस्ट नंबर 2 पर आ जाएगा, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेशन रेडियो, ये इसमें आपका होना चाहिए। इसमें भी डिप्लोमा होना चाहिए और इसी ट्रेड में होना चाहिए। सेम कैटेगरी इसमें भी दिया गया, एक्सपीरियंस के नाम पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस एविएशन से होना चाहिए। देन अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो वो भी होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं ITI वाले बंदों पर, ITI वालों के लिए क्या क्या चाहिए। देखिए सबसे पहले बात करें तो ITI की टेक्नीशियन, फिटर, सीट मेटल, कारपेंटर, वेल्डर, पेंटर, मशीनिस्ट, यहाँ पर इन ट्रेडों के लिए यहाँ पर निकाला गया है। तो इनको चाहिए ITI पास चाहिए, जो कि NCVT इन अप्रूवल होना चाहिए। देन 1 ईयर का, सॉरी 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एनी इंडस्ट्री एरिया का, किसी भी इंडस्ट्री का अगर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपका मान्य हो जाएगा। देन वो नहीं आपके पास तो 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, जो कि एविएशन से होना चाहिए। 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप आपके पास है तो आपका काम हो जाएगा। देन टेक्नीशियन एक्सरे के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है, तो BSc फिजिक्स से होना चाहिए। देन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और BE/BTech इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से अगर है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसमें भी आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 325 यहाँ पर दिया गया है। देन ये सिलेक्शन प्रोसेस है आपका कैसे होगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर बी रिक्वायर्ड अपेयर द रजिस्ट्रेशन फॉलो बाई, आपका ट्रेड या स्किल टेस्ट लिया जाएगा या इंटरव्यू लिया जाएगा, इन तीनों में से आपका कोई भी लिया जा सकता है, एक से ही सिलेक्शन हो जाएगा। देन डिप्लोमा वाले कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, जहाँ पर 31 मार्च 2023 को यहाँ पर सुबह 9:30 बजे यहाँ पर बुलाया गया है। यहाँ पर एड्रेस भी मेंशन कर रखा है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल नंबर 2 पे यहाँ पे आपको पहुँचना है। देन जो ITI वाले बच्चे हैं, ITI वाले बच्चों को यहाँ पर पहुँचना है, 11 अप्रैल का यहाँ पे इंटरव्यू है, सुबह 9:30 बजे पहुँचना है। इनको भी यहाँ पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल नंबर 2 पर ही पहुँचना है। देन अब अदर कंडीशन की बात करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण एरिया है आपका कि कंडीशन क्या क्या आपकी रहने वाली है। देखिए एज लिमिट की बात करें तो जनरल EWS के लिए 35 वर्ष एज रहेगा, OBC के लिए 38 वर्ष एज रहेगा, SC ST के लिए 40 वर्ष एज रहेगा एज ए रिलैक्सेशन। ठीक, तो ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहने वाले, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर रहने वाले, 5 ईयर के लिए आपको पहले लिया जा रहा है। अगर 5 ईयर के बाद अगर इस कंपनी को लगता है कि हमको ज़रूरत है तो आपका एक्सटेंडेबल किया जाएगा, आगे आपका जो टर्म है आगे कर दिया जाएगा और 5 ईयर के लिए कर दिया जाएगा, पीरियड ऑफ 5 ईयर डिपेंडिंग ऑन अपॉन रिक्वायरमेंट और कंपनी और परफॉर्मेंस को देखते हुए। ठीक है, देन सैलरी स्ट्रक्चर की अगर बात कर लें तो सैलरी स्ट्रक्चर आपको
25,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे एज ए ज्वाइनिंग के समय, देन उसके बाद में आपका बढ़ता रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये सारी, और यहाँ पर एक कंडीशन और है, यहाँ पर इंटरव्यू बेसिस पे तो हो नहीं वाला है, या तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा या स्किल टेस्ट होगा या आपका इंटरव्यू बेसिस होगा। ये इसमें एक इनको डिमांड ड्राफ्ट आपको ले जाना है, जो कि 1,000 रुपये का फीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। यहाँ पर इन्होंने ये बहुत बड़ा अमाउंट मांग लिया है एज ए इंटरव्यू के लिए। ये डिमांड ड्राफ्ट आपको ले जाना है, किस दाम से ले जाना है वो भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है इन्होंने। देन नेक्स्ट, अगर हम और बात कर लें इसके बारे में, कि उसके बाद में आपको क्या करना है, कि ये वाला जो फॉर्म है वो फॉर्म यहाँ पर ले जाना है। ये फॉर्म पे यहाँ पे अपना कलर फोटो चिपकाना है, देन पूरा फिलअप करके यहाँ पर पूरा ले जाना है। कोई भी ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, यही फॉर्म प्रिंट आउट निकलवा के इसको पूरा भर के ले जाना है आपको। देन सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने, और 1,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी आपको ले जाना है। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो ये 13 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको ले जाने हैं। 13 पूरा डॉक्यूमेंट आपको ये ले जाना है, ये पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। देन इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप कि इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूर मिली होगी। नॉलेज मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।